तो ये रेडी हो चुका है अब्दुल रसीद का टिफिन। अब्दुल रहमान निकल चुका है, आज थोड़ा सा लेट हो गया अब्दुल रहमान को निकलने के लिए। चलिए आज उसका फुटबॉल प्रैक्टिस था और कल थोड़ा थकान भी हो गई थी ना, तो वो वजह से लेट हो गया। चलिए ये है टिफिन, इसमें अभी जितने पाव बैठते हैं उतने बिठाएंगे, दूसरे कैरी बैग में दे देंगे अब्दुल रसीद को, क्योंकि उसके फ्रेंड्स भी खाते हैं ऐसा बोलता है वो, तो मेरे से जितना पॉसिबल होता है मैं उतना फिट करके दे देती हूँ उसको। इनर फेस में चलिए पैक करते हैं। अब्दुल रसीद कम यो, ये जेब में डालो जल्दी से, मैंने चाय पत्ती नहीं डाली इसमें, चाय में ऐसी पकड़ी। चलो देखते हैं, और अभी मैं लूँगी मेरा नाश्ता। मेरा लगभग सारा काम हो चुका है, सिर्फ मुझे किचन साफ करना है और झाड़ू वगैरह मारनी, और मैं नाश्ते में खाऊंगी पाव भाजी। मैं पाव फ्राई नहीं कर रही अभी, बिल्कुल मन नहीं हो रहा है मेरा, थोड़ा सा आज बहुत ज़्यादा हो गया एक्चुअली में, और पैर जो है ज़्यादा अगर हो जाए काम तो पैर तकलीफ दे रहा है, सी सूजन। ये देखिए फर्क है थोड़ा, पर फिर भी थोड़ी सी सूजन है, कोई बात नहीं। चलिए काम करते हैं, खाना नाश्ता करते हैं। सिंपल सा पाव लिया है, बच्चों को दिया मैंने प्रॉपरली फ्राई करके, बट मेरा मन नहीं था अभी। और फिर मैंने मतलब फ्रेशन अप हो गई, मैंने नमाज़ पढ़ी, फिर मेरे जो सूरे वगैरह पढ़ने थे वो मैंने सब पढ़े। क्या हो रहा है ना, पैर तो अल्हम्दुलिल्लाह है फ़र्क, बट कभी कभी थोड़ी सी तकलीफ़ भी हो रही है मुझे। और यहाँ पे जो है वाइट कपड़े, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं अलग अलग धोती हूँ वाइट कपड़े, स्पेशली मैं अलग डाल, तो वही वाइट कपड़े यहाँ पे सूख रहे थे, इसको थोड़ा हटाती हूँ। रीज़न ये है, ड्रेस बताती हूँ आपको मेरा, तो ये है आज मेरा जुम्मा का ड्रेस। एक्चुअली हमारे अम्मी बोलते थे कि जुम्मा भी एक ईद के जैसा होता है, ईद के जैसा सेलिब्रेट करो, तो मैं अभी ट्राई कर रही हूँ। मैं पहले से वैसे नहीं करती थी एकदम सिंपल, पर मैं अभी ट्राई करती हूँ कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनूँ। और ये मैंने खुद ने ही स्टिच किया है और बहुत अच्छा लगता है मुझे ये वाला ड्रेस। तो चलिए अब मेरी जो है नमाज़ हो चुकी है, और मैंने सूरे भी थोड़े बहुत पढ़ लिए, थोड़े बाकी हैं पढ़ना है, बट अभी जस्ट मैं फ़्रेश हो गई हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ। एक बार पी चुकी हूँ, मेरे जो फ्रेंड है बाजू वाले उन्होंने मुझे ला के दी थी और वो पी चुकी है, बट और एक बार चाय पीने का मन है। तो चलिए चाय बनाते हैं, जस्ट आपको ड्रेस दिखाना था इसके लिए मैं यहाँ पर आई थी। तो चलिए किचन में, और यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ किचन में। आज एक्चुअली ना मैंने पाव भाजी बनाई थी, तो वो है, अब मैं कुछ नहीं कुक करने वाली, ये हम तीनों को दोपहर में इनफ है, हम लोग खा लेंगे। और मेरा तो मन अभी खाना खाने का बिल्कुल नहीं, क्योंकि नाश्ता इतना लेट हो गया है, और फिर जो मेरे फ्रेंड है वो चाय बटर वगैरह लेकर आए थे, हम लोग ऐसी छोटी छोटी किटी पार्टी करते रहते, तो वो हो गया। तो ये चाय रख दूंगी, और एक चीज़ बतानी है, बहुत खुश हो गई मैं इस चीज़ से। मेरे जिठानी आए थे मुझसे मिलने के लिए, बिकॉज मैं गिर गई थी तो मुझे स्वेलिंग वगैरह है, तो मिलने के लिए आए थे, और वो मेरे फेवरेट रोट लेकर आए हैं। इतने सॉफ्ट है फ्रेंड्स ये, कि वो टूट रहे हैं, बट मुझे बहुत पसंद आए। ऐसा नहीं कि वो कुछ लेकर ही आए, बट ये मेरी फेवरेट चीज़ है और वो लेकर आए, तो थैंक यू भाभी, थैंक यू वेरी मच। तो अब मैं थोड़ी सी चाय के साथ ये रोट एन्जॉय करूँगी, तो चलिए चाय पीते हैं उसके साथ, फिर ये खाते हैं, फिर जो थोड़े से सूरे बाकी है वो भी पढ़ूंगी। और अब तो कुछ काम नहीं है, मतलब पकाना नहीं है, तो सोच रही हूँ कि एडिटिंग कर लूँ, तो मेरा वो काम हो जाएगा। कपड़े लगा दिए मशीन में, सूरे पढ़ के देखती हूँ, बच्चे आने के लिए 1.5 घंटा है अभी, तो कुछ ना कुछ करते हैं। तो चाहे मिलती हूँ चाय बनाने के बाद। और ये मेरी चाय रेडी हो चुकी है, आज थोड़ी बनी मैंने, थोड़ी बनी है एक्चुअली मेरे हाथ से, ये टेस्ट करेंगे ठीक है मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसंद है ये। छोटी प्लेट प्लेट प्लेट, कल फ्रेंड्स मैंने पुलाव बनाया था 15 अगस्त को, इंशाल्लाह आप लोग वो ब्लॉग देख चुके होंगे अभी तक के। हमने हर चीज़ ट्राई कलर खाने की कोशिश की थी, बहुत अच्छा दिन गया अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा अपसेट भी हो गई थी मैं बीच में, बिकॉज वो जो चल रहा है कोलकाता का केस, तो थोड़ा सा मुझे फील भी हुआ, बट सेलिब्रेट भी किया हमने, थोड़ा सा बच्चों ने भी स्कूल में जाके किया।
चलिए यहाँ की लाइट बंद करते बिकॉज यहाँ पे लाइट का ज़रूरत नहीं है। तो चलिए लाइट बंद, ठीक है। चलिए फिर भी कल का डे सेलिब्रेट हो गया। हमने हर चीज़ ट्राई की थी कि ट्राई कलर खाना है, वो सक्सेस हो गया एक्चुअली में। अच्छा दिन गया। चलिए मैं इंजॉय करती हूँ चाय और रोट, और फिर देखते हैं शाम को क्या बनाना है और क्या नहीं करना है, देखते। चलिए अभी तो इंजॉय करते हैं। और अभी मेरी चल रही है शाम की तैयारी। मैंने अब्दुल के हाथ से मंगाया है चिकन। अच्छा मैं मेरे स्टाइल वाला जो है चिकन मंचूरियन बनाऊंगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर, ठीक है। अच्छा इसको खोलना पड़ेगा, ठीक है कोई बात नहीं। और ये अंडे है, अंडे भी मैं फ्रिज में रख दूँगी। इसको फाड़ दो, बेटर होगा। एक मिनट। तो ये रहा चिकन, इसको जो है ना मैं पानी डाल के रख दूँगी थोड़ा देर, एक आधा घंटा पानी डाल के रखूँगी ना, जो लाल पना होता है ना इसका, इसका पूरा निकल जाएगा, ठीक है। इसको हटा देंगे, कैरी बैग जाएगी कचरे में, हैंड वॉश। और अभी जो है अंडे रखते हैं। अच्छा मैंने अंडे की जगह पे आपको बताती हूँ क्या रखा है मैंने, आलू भालू रखे हैं मैंने। चलिए यहाँ पे जगह करते हैं, कोई बात नहीं। अब्दुलरहमान और अब्दुल बासित, ये लो बासित को दो, मुझे तो नहीं चाहिए, रख दो फिर। चलो ओके, यहाँ पे रखते हैं अंडे, यहाँ पे रख दे। और शाम को जो है मेरे यहाँ पे आए थे गेस्ट, और मेरे कज़न्स थे वो लोग आए थे, तो मैंने उनके लिए चाय बनाई थी। और ये चिकन मैंने धो के अलग से रख दिया था, मसाले निकाल के रख दिए थे। और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ, ये चिकन मैंने थोड़ा सा निथरने के लिए रख दिया था। इसमें जो है ये बेसिक मसाले ऐड कर दूँगी मैं, और फिर इसके बाद जो है एक अंडा। ये मैं सिर्फ होममेड स्टाइल बना रही हूँ, उसको ज़्यादा कुछ मैं ऐसे नहीं करूँगी, ठीक है। इसमें ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर, ठीक है। और अगर आपके पास कलर होगा तो वो भी ऐड कर सकते हैं। इसमें जाएगा एकदम थोड़ा सा कलर, ज़्यादा नहीं ऐड करूंगी, देखिए आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा कलर। फिर इसमें ऐड कर दूंगी मिर्च, सॉरी अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा रेड चिली सॉस। इसका मैंने पानी निथार के ले लिया, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वरना पानी छूटेगा ना तो फिर उसमें टेस्ट नहीं आता है, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा सा सोया सॉस और थोड़ा सा विनेगर, वेट कहाँ है विनेगर की बॉटल, थोड़ा सा विनेगर ऐड कर दिया। अब इसको जो है ना हमें मिक्स कर लेना है, और मैं हाथ से ही मिक्स करूँगी, स्पून वगैरह से नहीं। देखिए कलर अच्छा दिख रहा है इसका, और ये जो ये दिख रहा है ना आपको लिक्विड, ये सॉसेज वगैरह का पानी है। और ये हो गया रेड, देखिए कलर कितना मस्त लग रहा है। इसको ढक के रख देंगे, और इसके जो ग्रेवी, मतलब ग्रेवी नहीं बहुत पतला नहीं थोड़ा सूखा टाइप है, उसकी तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। और इसको जो है ना 15-20 मिनट हो गए, बिकॉज मेरे पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं, तो मैंने ज़्यादा उसको मतलब मैरिनेट नहीं किया। यहाँ पे एक साइड राइस रख दिए, तेल भी रख दिया, तेल गर्म हो चुका है। और ये सारी मेरी चॉपिंग रेडी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब रेडी है। और आज मैं मेरे स्टाइल का चिकन मंचूरियन बनाऊँगी, ज़रूर देखिएगा। आप लोग बोनलेस भी पीस ले सकते हैं, बोन वाले भी पीस ले सकते हैं, कोई बात नहीं। इनफैक्ट मुझे जहाँ तक लगता है बोन वाले जो पीस होते हैं उसमें ज़्यादा टेस्ट आता है। तो चलिए तलना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह, और मीडियम फ्लेम पे करना है हमें फ्राई, ज़्यादा हाई पे नहीं करना है, बिकॉज चिकन जो है वो कुक हो जाना चाहिए, क्योंकि जब मैं उसका जो ग्रेवी वाला थोड़ा सा बनाऊंगी तब मैं इसको ज़्यादा कुक नहीं करने वाली, ठीक है। और ये डिश जो है ना मेरे घर में मेरे ससुराल वालों को बहुत पसंद आती थी मेरे हाथ की, मुझे वो दिन याद आ गए जब हर कोई मेरे हाथ की ये डिश बहुत शौक से खाता था, स्पेशली रमज़ान में बनाती थी मैं। चलिए आज वही मैजिक वापस करते हैं। तो ये चिकन हो चुके हैं फ्राई, यहाँ पे ऑयल रख दिया है, जिसमें फ्राई किया था वही ऑयल लिया है, इसके लिए सब ऐसा है, वरना इस पर भी कमेंट आ जाएंगे मुझे, कोई बात नहीं। ऑयल गर्म हो चुका है, एक्चुअली ऑलरेडी ऑयल गर्म था। ये देखिए इसमें जो है मैं ऐड कर दूंगी पहले लहसुन,
साथ में ऐड कर देते, कोई बात नहीं, ठीक है। और इसको हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे ग्रीन चिली, बी केयरफुल, ठीक है, इसको हला लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे ये सारी सब्जियाँ, तो ये ऐड कर दी मैंने इसमें सब्जियाँ, मेरे पास जो अवेलेबल थी, एक्चुअली इतनी ही काफ़ी है। और इसको ना हाई फ्लेम पे ही हमें भूनना है, ठीक है, थोड़ा दो मिनट के लिए, क्योंकि ये थोड़ी सी क्रंची होगी ना फ्रेंड्स, तभी अच्छी लगने वाली, ठीक है। और मुझे आज बहुत लेट हो गया एक्चुअली में, अब मुझे रोटी भी बनानी है, ठीक है, चलता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, थोड़ा ही, बिकॉज चिकन में ऐड किया हुआ है, तो ये इसमें ऐड कर देंगे। और इसके लिए अच्छे से भून के ले लेंगे। अच्छा कि जैसे जितने तरह हम लोग चाइनीज़ डिशेस बनाते हैं, उसके जो सब्जियाँ होती है ना, वो फास्ट पे ही हमें भूनना होता है, बारीक करोगे तो वैसे अच्छी नहीं बनती है। तो चलिए, सब्जियाँ भूने जाने के बाद उसमें मैंने सॉसेज ऐड कर दिए थे, रेड चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर, वो ऐड कर दिया था। उसके बाद जो है ना, मैंने फ्राई वाला चिकन ऐड किया था, और चिकन ऐड करने के बाद जो चिकन को मैंने मैरिनेट किया हुआ जो मसाला था ना फ्रेंड्स, वो मैंने ऐड कर दिया था, वो फेंकना नहीं होता है। अगर आपको ऐसा ड्राई वाला चाहिए तो बहुत ही टेस्टी लगता है। आप लोग सिर्फ ऐसे भून के इसको एक मिनट के लिए स्लो पे रख के आप लोग इसको सर्व कर सकते हो, बट मुझे थोड़ा सा ग्रेवी वाला चाहिए था, तो मैंने थोड़ा कॉर्नफ्लोर लिया, उसकी स्लरी बनाई और उसको मिक्स कर दिया। इसके बाद जो इसमें नमक टेस्ट किया, मुझे थोड़ा सा कम लगा, और चाइनीज़ चीज़ें तीखी नहीं होती है, तो अगर आपको तीखापन ज़्यादा चाहिए तो आप लोग जो कटी हुई मिर्ची है वो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो मैंने इसमें नमक ऐड किया, और लगभग मेरा चिकन मंचूरियन रेडी हो चुका था, और ऑलमोस्ट जैसे कि मैंने कहा, चिकन मंचूरियन रेडी हो चुका था। ये जो चीज़ें होती है, इसको ज़्यादा कुक नहीं करना पड़ता है, अपने आप वो सेट हो जाती है। स्लरी नहीं भी डालो, ऐसे भी खाओ चलेगा। हाँ, जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे जो प्याज की पत्ती होती है ना, वो नहीं मिलती है, वो अवेलेबल नहीं होती है जल्दी, बहुत नीचे जाके लाना पड़ता है, और अभी पॉसिबल नहीं था, तो मैंने इसको इंडियन तड़का दिया और इसको मस्त कोथमीर से गार्निश कर दिया। यम्मी लग रहा था। सबको खाना देने के बाद मेरा वो टाइम पे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इतनी गड़बड़ थी कि मैंने सबको खाना दिया, आई थिंक ये टाइम तक सब सो चुके थे। उसके बाद जो मैं, मेरा थोड़ा सा जो डिनर था वो लेके बैठ चुकी थी, रोटी और मेरा चिकन मंचूरियन और थोड़ा सा वड़ा पाव जो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। तो चलिए, बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप आपको व्लॉग और रेसिपी पसंद आए होंगे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।